तो यार जो मैंने लास्ट टॉप ट्रिक्स एंड मिथ्स वाली वीडियो अपलोड की उस पे गाइस इतने सारे बंदों ने कमेंट किया कि भाई आप टॉप ट्रिक्स एंड मिथ्स वाली वीडियो इतना लेट लेट क्यों अपलोड करते हो, मतलब थोड़ा जल्दी अपलोड किया करो। एंड कई सारे बंदे तो ये भी बोल रहे थे कि भाई आप डेली टॉप ट्रिक्स एंड मिथ्स की वीडियो अपलोड किया करो। तो यार देखो, टॉप ट्रिक्स एंड मिथ्स की वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम एंड काफी ज्यादा मेहनत लगती है, बट मान लो कि मैं अगर डेली अपलोड करता भी हूँ तो क्या आप लोगों को देखने में मजा आएगा? आप लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन देखोगे, बट एक टाइम के बाद ना आपको बोर सा लगने लगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, 3-4 दिन के गैप के बाद मैं उसका एक एक पार्ट अपलोड करते जाता हूँ, जिससे आप लोग भी बोर नहीं होंगे एंड मुझे भी टाइम मिल जाएगा उसे अच्छे से बनाने का। तो आज तो मैं ये टॉप ट्रिक्स एंड मिथ्स वाली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अब 3-4 दिन के बाद ही आएगी। तो फिलहाल आप लोग आज इस वीडियो को एंजॉय करो। आज भी गाइस काफी खतरनाक एंड मजेदार वाले टॉप ट्रिक्स एंड मिथ्स है, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूँ, लाइक इक्वल टू कमेंट, मतलब आपको लाइक एंड कमेंट को इक्वल करना है। मतलब अगर आप एक लाइक कर रहे हो तो आप एक कमेंट भी करो। मान लो अगर 10,000 लाइक्स होते हैं इस वीडियो पे तो 10,000 कमेंट्स भी होने चाहिए। तो देखते हैं आप लोग इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं। लेट्स गो। इवो एकेलो, उसका बॉडी डैमेज 30 और 40 होता है, फिर बम्बली बी या फिर इंपेरियल रोम एकेलो, उसका डैमेज भी 30 और 40 होता है। भाई इवो एके को तो सबसे खतरनाक माना जाता है यार, ये देखो ब्लू फ्लेम ड्रैको एके, इसको तो यार सबसे तगड़ा गन माना जाता है, मतलब एके में सबसे तगड़ा इसी को माना जाता है। बट आप बोल रहे हो कि इसको टक्कर दूसरी एके की स्किल्स देगी, चलो टेस्ट करते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं ट्रेनिंग में एंड इसका डैमेज टेस्ट करते हैं सबसे पहले। तो अभी हम लोग इस डमी एडम के ऊपर फायर करके देखते हैं। यहाँ से मैं फायर करता हूँ, यहाँ से मैं बॉडी शॉट फायर करता हूँ, बॉडी डैमेज 40-40 दे रहा है डैमेज, जैसा कि भाई ने बोला था 30 या 40 देगा। लेग के ऊपर फायर करके देखते हैं, लेग पे 30 दे रहा है एंड बॉडी के ऊपर 40 का डैमेज दे रहा है। ओके सो अभी यहाँ पर वेपन में आया, यहाँ पर एके एंड एके में कौन सा बताया था भाई ने, बम्बली कोई बताया था, हाँ ये रहा, ये बम्बली बी है, ये वाला हम लोग इक्विप करते हैं। वो भाई इसमें तो डबल डैमेज है जबकि अपना इवो एके इसमें सिंगल डैमेज ही है। तो अभी चलते हैं हम लोग ट्रेनिंग में, हमने उसको इक्विप कर लिया है बम्बली बी वाले एके को। अभी इससे फायर करके देखते हैं, यहाँ पर पहले बॉडी डैमेज 40 एंड नीचे लेग डैमेज देखते हैं 30-30। ओके बॉडी डैमेज 40-40, भाई सच में दोनों का सेम ही डैमेज है यार 30-40 का। बट हाँ दोनों में मैंने एक चेंजेस देखा, इसका जो रेट ऑफ फायर है ना वो उसके बराबर नहीं है, मतलब अपना जो इवो एक है ना उसमें रेट ऑफ फायर भी इंक्रीज है ना, तो उसका रेट ऑफ फायर काफी ज्यादा तेज है। बट हाँ डैमेज तो दोनों का सेम है जैसा कि भाई ने बोला। सो हेंस दिस ट्रिक इज राइट। मिथ, आप ट्रेनिंग में एयरशिप के कूदने वाले साइड के दूसरे साइड से भी कूद सकते हो, आप वहां जाओ और जॉयस्टिक आगे करो और जंप दबाते रहो और आप उस साइड से एयरशिप के बाहर निकल जाओगे। उल्टे वाले साइड से भी हम लोग जंप कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे पता है पीछे तो कुछ बाउंड्री टाइप रहता है यार, एंड वहाँ से हम लोग तो कूद नहीं सकते हैं। बट आप बोल रहे हो तो चलो हम लोग ट्राई करके देखते हैं। सो अभी यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग में एंड अभी हम लोग चलते हैं एयरशिप के ऊपर एंड जैसा कि भाई ने बोला है वैसा हम लोग करके देखते हैं पीछे साइड से जंप होता है या फिर नहीं। तो अभी यहाँ पर इसके पीछे से ना इस साइड से तो इजिली जंप हो जाता है क्योंकि इस साइड देखो पूरा खाली है, बाकी इस साइड से भी हो जाता है लेफ्ट या फिर राइट, इन दोनों साइड से भी जंप कर सकते हैं हम लोग इजिली। बट यहाँ पीछे से मैंने नहीं देखा है, यहाँ पर जैसा कि भाई ने बोला जॉयस्टिक को आगे करते रहो एंड जंप जंप प्रेस करते रहो। ओ भाई सच में यार कूद गए पीछे साइड से भी, मतलब भाई ये बाउंड्री लगाने का क्या फायदा हम लोग जब पीछे से भी कूद जा रहे हैं। तो मुझे लगता था कि भाई पीछे से जंप नहीं कर सकते क्योंकि पीछे वो बाउंड्री जैसी वो चीज है ना, बट पीछे से भी हम लोग सच में जंप कर सकते हैं यार, भाई खतरनाक ही ट्रिक है यार। एंड हेंस दिस ट्रिक इज राइट। मिथ, फर्स्ट गो इन ट्रेनिंग एंड टेक्स गन इन हैंड एंड यूज इनहेलर एंड फायर एंड सी मैजिक। चलो तो फिर चलते जादू देखने के लिए, मैजिक। ओके तो मैजिक देखने के लिए सबसे पहले हमें अपने हाथ में गन ले लेना होगा जो कि हमने ले लिया। इसके बाद हमको इनहेलर परचेस करना है, तो अभी इनहेलर भी ले लेते हैं, फटाफट से दबा के खरीदते हैं यार, फ्री का है तो फटाफट से खरीदते जाओ। चलो इनहेलर भी हमने परचेस कर लिया हाथ में, यहाँ पे गन भी ले लिया। अब बिड़ू हमको वो करना है जो कि हमको भाई ने बोला है, इनहेलर को यूज करते हुए एंड गन को फायर करना है। तो चलो इनहेलर को यूज करते एंड फायर। भाई हुआ क्या, मैंने तो कुछ भी नोटिस नहीं किया। चलो अगेन से करते हैं, यहाँ से इनहेलर यूज एंड फायर, क्या हो रहा है? ओके अब समझ में आया हो क्या रहा है एक्चुअली। यहाँ पर आप लोग मेरा ईपी देखो, यहाँ ये ईपी दिख रहा है 15 ईपी, मतलब जैसे ही मैं इनहेलर यूज करते हुए फायर कर रहा हूँ मेरा ईपी वहीं पे रुक जा रहा है, उससे ज्यादा मेरा ईपी बढ़ ही नहीं रहा है। जैसे कि देखो नॉर्मली मैं अगर इनहेलर को पूरा यूज करता हूँ तो यहाँ पर देखो लगभग 25 ईपी बढ़ता है, एंड वही अगर मैं इनहेलर यूज करते हुए फायरिंग कर देता हूँ तो मेरा ईपी वहीं पे रुक जाता है जहाँ की मैंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मुझे तो सच में यार आज से पहले ये मैजिक पता ही नहीं था यार। एंड हेंस दिस ट्रिक इज राइट।
स्टेप वन जिपलाइन के पास जाओ, स्टेप टू जिपलाइन को यूज करो, स्टेप थ्री जिपलाइन से कूदो आपको डैमेज आएगा, बट आप ब्लूवेल हाथ में लेकर जिपलाइन से कूदोगे तो आपको डैमेज नहीं आएगा, प्लीज टेस्ट माय मेथड। तो अभी इस ट्रिक को करने के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ फुल मैप में, एंड ये देख सकते हो यहाँ पर जिपलाइन भी है। तो अभी हम लोग पहले क्या करते हैं, जिपलाइन को ऐसे यूज करते हैं एंड जम्प करते हैं, देखते हैं हमको डैमेज पड़ता है या फिर नहीं। यहाँ से हम लोग अभी कैंसिल करते हैं एंड अभी देखते हैं, ये देखो यहाँ पर डैमेज पड़ा, मेरा 185 HP हो चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसा भाई ने बोला था वैसा हम लोग करते हैं, ग्लू वॉल पकड़ लेते हैं हाथ में, यहाँ पर देख सकते हो ये रहा ग्लू वॉल। चलो अभी मैंने हाथ में ग्लू वॉल पकड़ लिया, अभी हम लोग जिपलाइन को यूज करते हैं एंड यहाँ पर लीव करके देखते हैं। अभी हम लोग उसी जगह पे यहाँ पे अगेन से कैंसिल करते हैं एंड अभी देखते हैं हमको डैमेज पड़ता है या फिर नहीं। भाई आपने तो बोला था कि ग्लू वॉल हाथ में पकड़ने के बाद आपको डैमेज नहीं पड़ेगा, बट अभी भी तो हमको डैमेज पड़ा, देख सकते हो मेरा HP यहाँ पर 135 हो चुका है 185 से। तो भाई आपका ट्रिक तो यहाँ पर वर्क नहीं किया एंड हेंस दिस ट्रिक इज रॉन्ग। मिथ भाई आप अल्ट्रा ग्राफिक्स में ID लॉगिन करो, आपका टैप टू एंटर वाला पोस्टर में एनिमेशन दिखेगा, और अगर आप स्मूथ में देखोगे तो एनिमेशन नहीं दिखेगा, प्लीज टेक माय मिथ। ओ भाई इतना बड़ा चेंजेस रहता है स्मूथ और अल्ट्रा ग्राफिक्स में। पहले यहाँ पर मैं अल्ट्रा में हूँ, अभी हम लोग क्या करते यहाँ पर आईडी को लॉग आउट करके एंड अगेन से लॉग इन करके देखते हैं। चलो कंटिन्यू एंड यहाँ पर लॉग इन हो गया। चलो यहाँ पर देख सकते हो अभी नॉर्मली एनिमेशन दिख रहा है क्योंकि अभी मैं अल्ट्रा ग्राफिक्स में हूँ। तो यहाँ पे टैप टू बिगिन पे यहाँ पे हमको एनिमेशन देखने को मिला। अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर स्मूथ ग्राफिक्स करके एंड अगेन से लॉग आउट करके लॉग इन करते हैं। तो ये रहा सेटिंग डिस्प्ले एंड ये स्मूथ पे कर दिया हमने। अभी यहाँ पर लॉग आउट करते हैं एंड अगेन से लॉग इन करते हैं। ओके कंटिन्यू एंड लेट्स सी। ओ भाई ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीज हो गया हो, बिल्कुल पॉज हो गया हो गेम। मतलब भाई यहाँ पर तो कुछ एनिमेशन ही नहीं है। यहाँ की गाइज हम लोगों को अल्ट्रा ग्राफिक्स में इतना खतरनाक वाला एनिमेशन देखने को मिल रहा था, वहाँ स्मूथ ग्राफिक्स में तो कुछ भी एनिमेशन नहीं है यार। वो भाई अल्ट्रा ग्राफिक्स एंड स्मूथ ग्राफिक्स में इतना बड़ा चेंजेस है मुझे तो आज मालूम हुआ यार। एंड भाई आपका ट्रिक तो 100% वर्किंग निकला यार, एंड हेंस दिस ट्रिक इज राइट। ट्रेनिंग में जाइए, डबल MP40 लीजिए और गेम को मिनिमाइज करिए, उसके बाद ट्रेनिंग से बैक आइए, आपके डायमंड्स डबल हो जाएंगे। भाई यार कॉमेडी में मतलब ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है यार कि ये ट्रिक रॉन्ग है, बट कोई ना, चलो एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, कहीं आप ऐसा ना बोलो कि भाई ट्राई ही नहीं किया। भाई डायमंड्स डबल हो जाएंगे, यहाँ पर देखो अभी मेरे पास 9 डायमंड है, आप लोग अच्छे से देख लो। अभी देखते हैं 9 डायमंड के यहाँ पर 18 डायमंड होते हैं या फिर नहीं, जैसा भाई ने बोला है वैसा करते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। भाई इतना इजी तो नहीं है यार डायमंड्स डबल करना। तो देख सकते हो यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग में आ चुके हैं, अभी जैसा भाई ने बोला है हम लोग गेम को मिनिमाइज कर लेते हैं। सो ये हो गया गेम मिनिमाइज, अभी वापस से गेम पे चलते हैं एंड अभी बैक करते हैं गेम से। भाई ने बोला था मिनिमाइज करके गेम को बैक करो एंड उसके बाद डायमंड्स डबल, अभी देखते हैं डायमंड्स डबल। ओ भाई सच में डायमंड्स डबल हो गए यार, 18 डायमंड हो गया भाई, ये कैसे पॉसिबल है। लो यार मैंने तो पहले ही बोला था ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, मतलब यार डायमंड्स डबल करना कोई इतना इजी थोड़े ना है, एंड हेंस दिस ट्रिक इज रॉन्ग, प्लीज टेक माय मिथ। पहले आप ट्रेनिंग में जाओ और CG-15 गन बाय कर लो, उसके बाद आप वहां पर रखे डमी के हेड पे CG-15 गन से जूम करके 5 सेकंड फायर बटन को लॉन्ग प्रेस करो, उसके बाद छोड़ दो एंड डैमेज 4000 प्लस के ऊपर जाएगा। भाई 4000 प्लस डैमेज, व्हाट इज दिस यार, कैसा सच में पॉसिबल है। अब आप बोल रहे हो तो ट्राई करना तो बनता है ना। आ गया CG-15, ये रहा CG-15, अभी हमने यहाँ पर CG-15 बाई कर लिया, अभी इस डमी के हेड के ऊपर चलो यहाँ पे एम कर लिया। अभी 5 सेकंड तक हम फायर बटन को प्रेस करके रखते हैं एंड 5 सेकंड 1, 2, 3, 4, 5, चलो 5 सेकंड हो गए, अभी फायर करते हैं। 4125, व्हाट इज दिस यार, मुझे तो आज तक यही लगता था कि AWM सबसे ज्यादा हाई डैमेज वाली गन है यार, लेकिन आज पता चला कि उससे भी खतरनाक गन तो ये CG-15 है। 4000 का डैमेज भाई, लिटरली मजाक हो रहा है। बॉडी डैमेज देखते हैं, बॉडी डैमेज हाईएस्ट कितने का पड़ता है, बॉडी डैमेज 750 का बॉडी डैमेज, भाई ये तो गन खतरनाक ही है यार। एंड भाई आपने तो क्या ही खतरनाक वाली ट्रिक बताई है यार, सो हेंस दिस ट्रिक इज राइट। पहले किसी की आईडी इंस्पेक्ट करो, फिर वहीं से टॉपअप वाला सेक्शन खोलो, फिर अपनी आईडी इंस्पेक्ट करो, वो व्हाइट कलर की हो जाएगी। पहले हमको यहाँ पर किसी की आईडी इंस्पेक्ट करनी है, तो चलो पहले किसी की आईडी इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। चलो यहाँ पर आईडी इंस्पेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर डायमंड वाले पे क्लिक करना है, टॉपअप वाले पे, तो इस पे हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया। उसके बाद अपनी प्रोफाइल को ओपन करना है एंड ये क्या भाई, ये बैकग्राउंड को क्या हुआ भाई, ये बैकग्राउंड सच में चेंज हो गया, व्हाइट कलर का हो गया, क्या खतरनाक बैकग्राउंड लग रहा है यार। मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड ऐसा थोड़ी ना होता है, रुक जाओ एक बार मैं
कट करता हूँ ये सारी चीजें एंड ये देखो नॉर्मल बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब ब्लैक कलर का होता है एंड ये नीचे थोड़ा बहुत व्हाइट होता है। भाई कहाँ कहाँ से ऐसी ऐसी ट्रिक्स ढूंढ कर लाते हो यार, सच में खतरनाक ही ट्रिक है यार, एनहेंस दिस ट्रिक इज राइट। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको मजा आएगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर से प्रेस कर लेना। एंड गाइस क्या चैलेंज कंप्लीट होगा, लाइक इक्वल टू कमेंट, लेट्स सी, देखते हैं।